मेरी पत्नी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षिका है। रात को खाने के अंत में मेरी पत्नी कक्षा की एक बुक देख रही थी। नोटबुक को देखते ही मेरी मिसेस की आंखें थोड़ी बड़ी हो गई। मैं पास में बैठा टीवी देख रहा था। मैंने अपनी पत्नी की ओर देखा और देखा कि वो अपने आंसू पोंछ रही है। मैं हैरान था। मैंने पूछा, तुम इस तरह क्यों रो रही हो? मेरी श्रीमती ने कहा, कक्षा 5 की परीक्षा में एक निबंध आया, मेरी मर्जी। मैंने पूछा, तो इसमें रो क्यों रही हो? ये प्रश्न सुनकर उन्होंने कहा, सभी पुस्तकें मैंने देखी, सबने अच्छा लिखा, पर मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा, तो इसमें क्या है? मेरी पत्नी ने उत्तर दिया कि अब एक नोटबुक को देखकर मैं खुद को संभाल नहीं पा रही, आंखों में आंसू भर आए। मुझे बहुत आश्चर्य और दिलचस्पी थी। मैंने पूछा, अच्छा बताओ उसने क्या लिखा? मेरी पत्नी ने निबंध पढ़ना शुरू किया। उसने लिखा, काश मैं स्मार्टफोन होता। मेरे पिताजी और माँ दोनों को ही स्मार्टफोन से बेहद प्यार है, लेकिन मुझसे प्यार नहीं करते। मेरे पिताजी जहाँ भी जाते हैं अपना स्मार्टफोन अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो मुझे अपने साथ कहीं नहीं ले जाते। किसी ने फोन किया तो मेरी माँ को फोन उठाने की जल्दी होती है, लेकिन मेरे रोने के बाद भी माँ जल्दी से मेरे पास नहीं आती। मेरे पिताजी स्मार्टफोन पर गेम खेलते हैं, लेकिन मेरे साथ नहीं खेलते। मैं अपने पिताजी से कहता हूँ, पापा मुझे गोद में लो, लेकिन मेरे पिताजी मुझे गोद में नहीं लेते, बल्कि काम का प्रेशर दिखाते हैं। स्मार्टफोन हमेशा पिता की गोद में रहता है। मैं अपनी माँ के पास जाकर उनसे कहता हूँ कि तुम मेरे साथ खेलो, लेकिन मेरी माँ मुझ पर ही गुस्सा करती है और कहती है, मैं नहीं देख सकती तुम्हें, मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारे चाचा के साथ चैट कर रही हूँ। मेरे माता पिता हर दिन अपने स्मार्टफोन का ख्याल रखते हैं, लेकिन मेरे साथ थोड़ा सा प्यार करने के लिए उनके पास समय नहीं है। जब मेरी माँ पापा से फोन पर बात करती हैं, तो माँ स्मार्टफोन पर पापा को किस करती हैं, लेकिन माँ मुझे कभी ऐसे किस नहीं करती। मेरे पिताजी हमेशा अपने सिर के पास स्मार्टफोन लेकर सोते हैं, लेकिन वो मुझे कभी गले नहीं लगाते और ऐसे ही सो जाते हैं। मेरी माँ दिन में 4 या 5 बार अपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पर लगाती है, लेकिन कभी कभी मेरी माँ मुझे खाना देना भूल जाती है, लेकिन स्मार्टफोन को चार्ज करना कभी नहीं भूलती। तो इसलिए मैं स्मार्टफोन बनूंगा। मैं एक स्मार्टफोन बनना चाहता हूँ और हमेशा अपने माता पिता के साथ रहना चाहता हूँ। अब पत्नी के मुंह से ये लिखा सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया और अपनी पत्नी से पूछा, ये निबंध किसने लिखा है? उसने कुछ देर चुप रहकर उत्तर दिया, हमारे बेटे ने। मैं कुछ देर वहीं बैठा रहा। मैं बहुत सी बातें सोच रहा हूँ। मेरे और मेरी पत्नी की आंखों में पानी आ गया। इसलिए हर माता पिता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने बच्चों की देखभाल करें। बेशक आप कितना भी व्यस्त क्यों ना हो, समय यूं ही उड़ जाता है। बच्चों को समय दें, उनके साथ रहें। अपने बच्चे को दोष देने से पहले खुद से पूछें कि आप उसे कितना समय दे रहे हैं। उनके साथ एक दोस्त की तरह बर्ताव करें। बच्चे को समय दें। आपका बच्चा आपका भविष्य है।